थैंक यू आई रही भरा जी साड़ी पहली गल तो सानू बड़ी खुशी है कि साड़ी भैन नरेंद्र कौर भराज हल्के दे लोकां वास्ते अपने दफ्तर का उद्घाटन करदी आ इहदे असीं उहनां नूं वधाई दिंदे आगे क्योंकि लोगों ने कितना कितने उम्मीद करके एम एल ए चुनिया लोगों उम्मीदा नहीं पर जिदे काम यह सरकार कर रही है उन्हों तो यह साफ जाहिर हो रहा कि यह सरकार है जी भ्रिष्टाचारी के नाते इनकलाब के नाते उत्ते सरकार लेके आई है पर जिहड़े लोग भ्रिष्टाचारी को खत्म करते सबका सैनिक असं वर्दीधारी लोग हाँ डिसिपलिन फोर्स बंदियां जिस बेहुदे तरीके गलत शब्दावली बोल के इन्होंने साडे स्कीम बंद किया उस दे विरोध दे विच अज असी इस सरकार तक अपना मैसेज देन आया साड़ी बड़े लंबे चिरां तों मंग हो रही है कि जिस दिन की स्कीम बंद की है कि साड़ी जिहड़ी मीटिंग है माननयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी नाल करवाई जाए पर सानू झूठे आश्वासन दिते जा रहे हैं जिदे करके हर नवें दिन जिहड़ा संघर्ष वो होर तिखा हुंदा जा रहा नौबत यह आ गई कि सानू सड़कां तों अगे आके इन्हां दे दफ्तर घेरने पै रहे हैं तो जे ये साड़ी गल नहीं सुणगे इह संघर्ष होर भी इदों तेज़ होऊगा। जिहड़े प्रधान जी एम एल ए साहब आए सीगे तुहाडी मीटिंग हुई है उहदा की नतीजा? जी भैण ने साडे नाल वादा कीता कि तुसीं 10 मिनट वास्ते मैनूं उद्घाटन कर लां दो असीं सिर्फ उन्हां दे रिगार्ड ते सिर्फ 10 मिनट वास्ते शांत होयांगे। उन्होंने वादा किया कि असं मानयोग मुख्यमंत्री दी जिहड़े मेहम साहब ने डॉक्टर गुरप्रीत कौर उन्होंने नाल तुहाडी मीटिंग करवावांगे उन्होंने भैन नाल मुलाकात करवावांगे तो लिखित आश्वासन देंगे। असं यह भी कहता कि सानू लिखित दे विच दे दो सानू टाइम समा दे दो असं 5 मिनटां दे विच अपना जिहड़ा रोस प्रदर्शन बंद कर जिहड़ा लिखित दिता सी इहदे विच उन्होंने गोल मोल गल कीती है किसी मंत्री का नाँ नहीं दिता किसी एम एल ए का नाँ नहीं दिता किसी नुमाइंदे का नाँ नहीं दिता 10 तरीक 6 तरीक 10 बजे का टाइम मुख्यमंत्री आवास का दिता लेकिन कौन मीटिंग करूगा उसका नाम नहीं चेस करके असं वापस है कि सानू बिठा के मुख्यमंत्री साहब के साथ मीटिंग करवाई जाए संघर्ष दर चल रहा इन होर तेज करा।